नमस्कार दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आपके सामने बहुत रखना जरूरी था। मैं समझता हूँ ये बात प्रशासनिक अधिकारियों को भी सुनाई जरूर देगी। आप लोग जुड़ जाएं और जो ये प्रकरण है इसको शेयर भी करें और सच्चाई भी लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। तो मैं तमाम साथियों से कहूँगा, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, हालांकि कई लोग ऑफिस जा रहे होंगे, कई लोग इधर उधर जा रहे होंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इसीलिए सब साथियों से कहूँगा कि इसको सुनकर शेयर भी करें, लोगों तक पहुँचाने का काम करें। बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए इस समय पर मैं लाइव आकर बोल रहा हूँ आपसे। और ये जो महत्वपूर्ण इशू है वो धर्मेंद्र जाटव, जिसको लगभग 25 दिन पहले 19 जनवरी को एक फर्जी मुकदमे में पुलिस ने बिना तफ्तीश किए हुए, बिना जानकारी जुटाए हुए उस नौजवान को जेल भेज दिया, जो पिछले 5 साल से लगातार प्रताड़ना झेल रहा था, परेशानी झेल रहा था, जिसने अपना गांव छोड़ दिया, अपने परिवार के लोगों को छोड़ दिया, जिसने अपने समाज को छोड़कर मेरठ में किराए पर रहना पसंद किया, क्योंकि सामने वाले जो लोग थे वो दबंग थे। मैं पूछना चाहता हूं सरकार के उन नुमाइंदों से जो दलितों के सर समाज की बात करने वाले लोग हैं, हमारे क्षेत्र सरदना के विधानसभा के विधायक के पिता, जिन्होंने धर्मेंद्र जाटव के ऊपर पिछले 5 साल पहले जो जानलेवा हमला किया था, जो उसके नखून तक खींच लिए थे, जो दरिंदगी की थी, उस मुकदमे के ट्रायल पे आने के बाद जब उसकी धर्मेंद्र जाटव की गवाही होनी थी, उसके बीच में भी कई बार उसको धमकाया गया, डांटा गया, बदतमीजी उसके साथ की गई, लेकिन इनको लगा कि ये नहीं मान रहा है, या इनको लगा कि भाई आप इसमें जेल जा सकते हैं, तो षड्यंत्र रचा जाता है। ऐसा षड्यंत्र जो आप तक पहुंचना जरूरी है, और आज हम लोग उसका राज पास कर रहे हैं। जिसकी तरफ से ये मुकदमा व्यक्ति की लिखवाया गया था वो भी पंकज सलावा गांव का रहने वाला है, बहुत निहायत गरीब है, बहुत शरीफ भी है। उसको जाल में फंसाकर गलत तरीके से जो ये काम किया गया, कृत्य किया गया है, ये समाज में अशोभनीय है। आज मैं आपका परिचय पहले करा दूं, ये हमारे साथी पंकज हैं, जो इस मुकदमे में जिसको गलत तरीके से इन लोगों ने फांसा है, गलत तरीके से पंकज से जो मुकदमा धर्मेंद्र जाटव पर लिखाया गया, ये पंकज हैं। पंकज क्या नाम है आपके पिता का? बंतु। पंकज सुनो बंतु, ये सलावा गांव के रहने वाले हैं, आप इसको शेयर करिए। ये इनके धर्मेंद्र जाटव के पिताजी हैं, जो पिछले 25 दिन से लगातार घूम रहे हैं। ये उनकी पत्नी है, यहाँ पर आप 25 दिन से लगातार झूठे मुकदमे में जो धर्मेंद्र जाटव को जेल भेजा गया है, ये मैं आपको उन तमाम साथियों से मुलाकात करा रहा हूँ, खास तौर से उनकी पत्नी है या उनके ये बूढ़े पिता हैं। आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत में है, परेशानी दिक्कत में है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पंकज भाई का भी, जो सच्चाई के लिए मदद के लिए हमारे सामने आए हैं। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि हम और हमारा पूरा परिवार पंकज से जो ये चूक हुई है, जो इनके कहने पर प्रेशर में आकर जो इन्हें मुकदमा लिखा गया है, हम पूर्णतः पंकज के परिवार के साथ हैं और हमेशा मदद करने का काम करेंगे। और पंकज जो आज मदद कर रहे हैं इस परिवार की, उसके लिए भी मैं आप तमाम लोगों से सच्चाई को रूबरू कराना चाहता हूं। आप लोग इसको शेयर जरूर कीजिए, और शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि सही सच्चाई लोगों के सामने होना जरूरी है। अधिकारी लोगों ने जो उस दलित परिवार के नौजवान को फर्जी तरीके से जेल भेजा है, हम सब लोगों को मिलकर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी मदद करें। मैं पिछले 25 दिन से इसके परिवार की परेशानी और दिक्कत देख रहा हूं, आपको भी लग रही होगी। एक व्यक्ति जिसने प्रताड़ित होकर, जिसको पीटा गया, मारा गया, जिसके साथ जाति हुई,
उसी व्यक्ति को फर्जी मुकदमे में मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया। आप खुद सोच सकते हैं कि कैसी स्थिति बन पड़ रही होगी उसके परिवार के साथ। तीन छोटे बच्चे हैं धनंदर जाटव के, और तीन छोटे बच्चे ऐसी हालत में हैं कि ना स्कूल जा पा रहे हैं ना उनके खाने का इंतजाम है, लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। मैंने लगातार प्रशासन के बड़े अधिकारियों से इसके बारे में वार्ता की, उन्हें जानकारी दी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप जुड़े रहें और एक दूसरे को शेयर करके इस चीज को बताएं। मैं पंकज से कुछ सवाल पूछूंगा, वो आप तक जरूर पहुंचेंगे और पंकज इसकी सच्चाई भी बताएंगे। मुझे ऐसा विश्वास है कि हम पंकज के साथ हैं, और मैंने अधिकारियों को भी इनका एफिडेविट भेज दिया है, और ये पंकज आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ। पंकज भाई कुर्सी थोड़ी इधर कर लो मेरी तरफ। ये पंकज वही साथी हैं जिनको जिनकी तरफ से मुकदमा लगाया गया। मैं पूछना चाहता हूं पंकज, तुम्हें कहां से बुलाया गया था पहले? भट्टे पे से बुलाया था। जोर से, थोड़ा जोर से बोल दो। भट्टे पे से, पंजाब से। भट्टे पे से पंजाब से बुलाया गया, फिर कहां पर आपको कहां पर ले जाया गया? अस्पताल में ले गए जी, कार में बिठाया गया, दोराला। दोराला कार में बैठाकर लेकर गए, उसके बाद क्या हुआ वहां पर? मेरे इंजेक्शन लगाया जी, बेहोश हो गया जी, मैं पता नहीं रहा। फिर आँख खुली तो कान पे पट्टी थी और सिर पे भी। दिखाना कान पे, कान को, कान दिखा दो एक बार जरा। ये पंकज जो है ये कान आपको दिखा रहा है अपना, और सिर भी दिखा रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर कहाँ भेज दिया आपको इन्होंने? फिर वापसी भट्टे पे चले गया जी मैं। तो कहीं थाने वाने में कहीं नहीं ले जाया गया? और ऐसी सीधी रिपोर्ट लिख दी आपको, कुछ ना बाद में बुलाया गया, ना आपसे कोई जानकारी ली गई पुलिस के द्वारा? नहीं जी। हैं? नहीं जी, कोई जानकारी नहीं ली गई। आप समझ सकते हैं, इसको शेयर कीजिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए कि पुलिस के प्रशासनिक लोगों की सच्चाई आपको पता चले। कोई दबाव तो नहीं है आपके ऊपर? दबाव था, दबाव तो यही है जी, वो आपको बताया कि आपको उनसे जान का खतरा है। धमकी तो दे रही है। क्या धमकी, कौन कौन लोग दे रहे हैं? मुकेश जी दे रहा है कि गांव में नहीं रहने देना। ये लोग विधायक के पिताजी से जुड़े हुए लोग हैं। फिर क्या बोला इन्होंने कि धमकी दे रहे हैं? हम लोग पूर्णतः आपको विश्वास देना चाहते हैं पंकज कि हम आपके साथ हैं, लेकिन आपसे जो ये आपने मदद करी है कि एफिडेविट देकर परिवार की, तो मैं आपको इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। ऊपर देखो थोड़ा, ये पंकज जी हैं जो जिनकी तरफ से झूठा मुकदमा लिखवा दिया गया था। मैं आप तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि हालांकि इस तरह की बातें हैं, मैंने इनको भी सेव करने के लिए कि कोई इनको धमकी ना दे, कम से कम आप लोगों तक पहुंचाया है, ये आपकी अदालत में है। लेकिन सवाल वही का वही है जू का तू कि पुलिस फर्जी मुकदमों में, तो झूठे मुकदमे लिखने में तो माहिर हो गई है, और अगर सच्चाई की बात आती है तो व्यक्ति दर दर की ठोकर खाता घूमता है। हर दिन देखिए क्राइम लगातार बढ़ रहा है, हर जगह लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, दुष्कर्म की घटनाएं हर दिन आम हैं, और ना जाने कितने लोग इस सरकार में बैठे हुए उन ऐसे जो नामी गिरामी लोग हैं जो सत्ता को सोचते हैं कि इनके हाथ की चीज है, वो ऐसे लोग लगातार गरीब आदमियों का शोषण और उन्हें प्रताड़ित करने का काम करते हैं। लेकिन मैंने मन बना रखा था कि इस चीज का पूरा पर्दाफाश हम लोग करेंगे। आज के अखबार में भी एक दो में चीजें छपी हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप एक एक व्यक्ति इस बात को बताइए, क्या ये कृत्य सही है? ये विधायक के पिता को जिसने इस धर्मेंद्र जाटव के साथ जाति की मारपीट की, जहां एक तरफ मोदी जी मंच से बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये किसी का विकास नहीं है, सर्वनाश करने वाले लोग हैं, ये सत्यानाश करने वाले लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं कि इन लोगों ने ऐसी स्थिति बना दी है कि आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति इन पर विश्वास करने के लिए इस समय तैयार नहीं है। और मैं पुलिस के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, आपके ऊपर ऐसी कौन सी दिक्कत थी, आपके ऊपर ऐसा कौन सा दबाव था कि आपने किसी गरीब आदमी को जो ठेला लगाकर फल बेचकर अपने बूढ़े माता पिता का, अपने तीन छोटे बच्चों का पता नहीं किस तरह से गुजर बसर कर रहा था, उसको आपने फर्जी मुकदमा बिना तफ्तीश के, बिना जांच के, बिना किसी व्यक्ति को थाने में बुलाए हुए आपने झूठा जाकर सेटिंग करके जेल उसको भेजने का काम किया,
ये तो आपको नीचे तो ये चीज झेलनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। आपको ये समझ लीजिए, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये हमारे साथ पंकज हैं, पंकज ने पूरी बात आपको बताई और ये बात इन्होंने अधिकारी लोगों को बताई है और इनके परिवार के लोग धर्मेंद्र के यहां पर बैठे हुए हैं। मैं इनसे भी कहना चाहता हूं, आखिरी जब तक धर्मेंद्र जाटव बाहर नहीं निकलेगा, जब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इनकी सच्चाई, भाजपा के बैठे हुए लोगों की सच्चाई, इन प्रशासनिक औहदों पर बैठे हुए लोगों की सच्चाई आप तक पहुंचनी जरूरी है। आप लोगों का एक एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि इस चीज को लोगों तक पहुंचाएं। मैंने इसीलिए पंकज को आपने आपके सामने किया है कि कम से कम ये सच्चाई आपको पता लग जाए कि किस तरीके से धर्मेंद्र जाटव को झूठा फंसाया गया। पंकज को पहले पंजाब में ये भट्टे पर कहीं पर दूर में रहता है लुधियाना के पास, वहां से बुलाया गया, सलावे के रहने वाला है, सीधा बुलाकर सीएससी गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया, वहां पर ले जाकर बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और जब ये उठता है तो उसका कान एक कटा हुआ था, सिर में पट्टी बंधी हुई थी, सिर में टाके भरे हुए थे और उसके अलावा ना थाने ले जाया गया ना कुछ। वहीं पर पुलिस आती है, पूरी की पूरी साठ गांठ डॉक्टरों की और पुलिस की होती है और विधायक के पिता और उनके तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसके बाद फर्जी 307 का मुकदमा गढ़ दिया जाता है। ना कॉल डिटेल निकलवाई जाती, ना लोकेशन पता की जाती, ना वादी की पता की जाती, ना मुजरिम की पता की जाती। लगातार इसका पूरा परिवार जगह जगह घूमकर परेशानी दिक्कत झेलकर इस चीज को लड़ रहा है। फर्जी तमाम वकील लोगों की, क्योंकि ताकतवर लोग हैं, फौज खड़ी कर दी जाती है सामने की तरफ से, प्रशासनिक अधिकारी लोगों पर पता नहीं किस चीज का दबाव है, किस चीज की उनको पता नहीं, मुझे नहीं पता किस चीज की वो दबाकर चीजें रखे हुए हैं, हमें नहीं पता। लेकिन अभी 22 दिन तक जो बच्ची कोल में जिसका बलात्कार किया गया, आज प्रशासन उस पर पूरा का पूरा वो दबाव इस चीज का डाल रहा है कि ये किसी तरह नेगलेक्ट हो जाए। 22 दिन से दुष्कर्म पीड़ित घूमती ही रहती है, आत्महत्या कर लेती है, मौत के आगोश में चली जाती है, उसकी कोई परवाह नहीं है। टोल पर लड़का मर जाता है, 12 दिन बीत जाते हैं, फुटेज डिलीट हो जाती है, आज तक कातिलों का, शहीद कातिलों का कोई पता नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पूरी सरकार, पूरे अधिकारी सिर्फ इस काम पर लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से झूठे केसों में कैसे लोगों को फंसाया जाए, कैसे दबाया जाए, कैसे उनके साथ जाति की जाए। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि तमाम साथी, नौजवान साथी, क्योंकि पंकज भी यहीं पर है जिसको वादी बनाया गया है, जिसकी तरफ से ये फर्जी मुकदमा जिसमें डॉक्टरों की, पुलिस के अधिकारियों की संलिप्तता करके विधायक ने साठगांठ करके अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो ये मुकदमा लिखवाया है, इसको जो है हम लोग आखिरी तह तक लेकर जाएंगे। मैं आप तमाम लोगों से ये बात कहूंगा कि इसको शेयर कीजिए और एक दूसरे तक पहुंचाने का काम इस वीडियो को कीजिए। मैं फिर ये यहाँ पर पंकज बैठे हैं, इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पिताजी हैं बेचारे, लगातार बुजुर्ग, जो लगातार आप कुछ कहना चाहते हैं। हम तो लम्बा छूट गया हमारा, हम बहुत परेशान हो गए, भूखे प्यास रहे हैं, वो हिलना कर रहा था किला, अब अलग तीन उसके भी हैं। कैसे अब अपना पेट पाल रहे हो? बच्चे अपना कर रहे हैं, गुजारा जैसा भी कर रहे हैं, मांग कर पान कर को अपना खा रहे, बच्चे को तो दे ही रहे हम कर करा कर कुछ ना कुछ। तो अब तो उस दिन से तो फलों का ठेला भी नहीं लग पा रहा होगा जब से वो जेल गया है। हाँ जी बिल्कुल नहीं, हिला बंद पड़ा। तो कितने लोगों से उधार ले लिया है? कम से कम 5-6 से ले लिया जी, 10 से बल के 10 आदमी से उधार ले लेकर खुआ दिया बच्चे को। आप समझ सकते हैं पीड़ा इनकी, ये इनकी पत्नी बैठी है लगातार, आपको क्या क्या, हम लोग तो जो मदद कर सकते थे कर रहे हैं आपकी, लेकिन और उसके अलावा और क्या आपको परेशानी इस समय बच्चों की झेलनी पड़ रही है? परेशानी तो सारी है, सब कुछ देखना है, कहीं वकील के यहाँ जाओ कुछ नहीं, और सब जगह जाती हूँ, परेशानी। अधिकारियों के पास भी गए? अधिकारियों के पास भी गए, कोई सुनवाई नहीं हुई है, और उस दिन कोर्ट में भी बेल खारिज हो गई, और अब बस यही है कि छूट जाए वो। और पंकज के लिए क्या कहना चाहते हो? पंकज के लिए यही कि भैया ये आए, इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, ये बयान दे अपना, ये कह रहे
झूठे में फंसवाया इन्होंने। उन लोगों ने किया है कृत्य, उन्होंने संगी सोम के पिताजी ने ये करवाया। तो आपकी जान को अब भी खतरा बना हुआ है विधायक और उनके गुर्गों से, चेलों से? हाँ जी हाँ, हमें तो अब भी खतरा है जी, और रात दिन का खतरा है। बताओ, रात दिन का खतरा है जी, मेरे बच्चे उन्हें ठाक दे गया, हमें मार दे, मेरा लड़का जेल में पुछवा दिया। हाँ जी बताओ, जोर जोर से बताओ, लोग सुन रहे हैं आपको। हमें बहुत खतरा है इन लोगों का। विधायक के पिताजी बहुत वैसे आदमी है, हमें बहुत खतरा है, अपने बच्चों का भी खतरा है हमें। तुम इंगे तिंगे घूमे बालक, तो कभी बालक को बिठा ले मारे कोई से, वो अरे हम परेशान तो हैं जी, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आप लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे उनके पिताजी को, उनकी पत्नी को, और हम लोग बस इतना कहना चाहते हैं कि झूठे मुकदमा, आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी, दुख की, कष्ट का ये प्रकरण है। एक लड़का जो लुधियाना में रहता है, अपने प्रभाव का, दुष्प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए, इन्होंने उसे वहाँ से बुलाया, इंजेक्शन दिया बेहोशी का, उसके बाद में उसकी डॉक्टरी करा दी, कान काट दिया, ऊपर सिर कर दिया, 307 की फर्जी डॉक्टरी बनवा ली, और ये फर्जी डॉक्टरी जो बनवाई, ये उसको बेहोश करके बनवाई गई। तो मेरा आप लोगों से कहना यही है कि आप, सच्चाई आपको पता चल गई है, आप उससे रूबरू हो गए हो, और ये चीज़ ऐसी है कि मैं इसमें पंकज को, जो जिनकी अंतरात्मा ने इस बात को गवारा नहीं समझा कि मैं किसी के साथ गलत करूं, जब उनको इसकी पूरी असलियत का पता चला तो वो मदद के लिए इस परिवार की आगे आए हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। जो लोग गरीबों को कुचलने का काम करते हैं, सोचते हैं कि गरीब लोगों तो उनकी मतलब जो भी उनकी धारणा उनके प्रति हो, आप समझ सकते हैं किस तरह की धारणा उनकी होगी। मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो ये सच्चाई आपको पता लगी है, ये दूसरे लोगों तक भी पहुँचने का काम होगा, क्योंकि 9:45 का टाइम है, बहुत सारे लोग अभी इस समय तक नहीं सुन पा रहे होंगे। ये रहने वाले आपके राडना गांव के हैं, सरना मेरठ के, सरना विधानसभा के, सरना तहसील के राडना के रहने वाला है धनंद जाटव, और ये दूसरे वाले लोग जो है सलावा का रहने वाला लड़का है, जिससे फर्जी मुकदमा ये गलत तरीके से लिखवाया गया है। और मैं आज सर्वप्रथम जो मुझे बात बोलनी चाहिए थी, जो मैं नहीं बोल पाया, आज 14 फरवरी का दिन है, आज हमारे जो शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में, मैं उनको सबको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। ये वीर शहीद जो देश को सुरक्षित रखे हुए हैं, जिनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन मैं करता हूँ, और उनको श्रद्धांजलि अपनी तरफ से देना चाहता हूँ, जो लोग पुलवामा हमले में शहीद हुए हैं। लेकिन मैंने कई अखबारों में पढ़ी है ये चीज़, मैंने कई अखबारों में ये चीज़ पढ़ी है कि पुलवामा अटैक के परिवारों को आज तक सरकार की तरफ से कोई मदद मुहैया नहीं कराई जा रही। बहुत से परिवारों को हम देखते हैं अखबारों में कि परेशानी और चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं। सरकारों की ये बेरुखी शहीदों के प्रति अच्छी नहीं है, और जो सेना का सम्मान की बात करने वाले लोग हैं, उन परिवारों को कम से कम बुलाकर उनकी पीड़ा भी जानने की कोशिश करें। फिर मैं पंकज भाई का धन्यवाद देते हुए तमाम उन साथियों का धन्यवाद दूंगा, और मैं फिर पुलवामा अटैक के लोगों को जो शहीद हुए हैं हमारे सैनिक, उनके चरणों में नमन करते हुए, उनको श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करते हुए, बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद। जय हिंद।